एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि विदाउट मेकअप 20 टिप्स को फॉलो करके आप कैसे ब्यूटीफुल नेचुरली लग सकते हो। आज की टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उन लोगों के लिए जिनको मेकअप करना पसंद नहीं है, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, या फिर ऐसे भी डेली आप इन अगर चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, और फिर अगर आप थोड़ा सा ही मेकअप कर लोगे कभी कोई पार्टी वगैरह में, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगोगे। नेचुरली भी हमारे स्किन, हमारे हेयर अच्छे होने चाहिए। आप नेचुरली प्रिटी कैसे लग सकते हो, आज बेसिकली मैं वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना होगा, सिर्फ फेस के स्किन को नहीं, पूरी बॉडी के स्किन को, फेस को, नेक वाले एरिया को, हैंड्स को, लेग्स को, स्टमक को, बैक को, जिससे कि जो भी डेड स्किन है, डलनेस है, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। और जब गंदगी आपके स्किन से निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपके स्किन क्लीन दिखेगी। तो इस वजह से आपको स्क्रब ज़रूर यूज़ करते रहना है। मैं मार्केट वाले की बात नहीं कर रही हूँ, आप होममेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रब के लिए कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से भी एक तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप फिट भी रहोगे और वो स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन में मुश्किल से आपको 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, उससे स्वेट भी निकलेगा, स्किन के टॉक्सिन उससे बाहर निकलेंगे, साथ ही वो स्किन के लिए भी अच्छा होगा और आप फिट भी रहोगे। आपके लिप्स का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है। आप स्क्रब का यूज़ करो, कोई माइल्ड सा स्क्रब बनाओ, हनी और राइस फ्लोर को ऐड करके आप स्क्रब बना सकते हो। साथ में मेक श्योर करना कि आप जब सनस्क्रीन अपने चेहरे पर अप्लाई कर लो, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी सनस्क्रीन लेनी है, लिप्स पे अप्लाई करनी है कि वहाँ की स्किन ब्लैक ना हो। और सन रेज जैसे आपके फेस के स्किन को डैमेज करती है, वैसे ही लिप्स के स्किन को भी डैमेज करती है। इस वजह से फेस के साथ में लिप्स पे भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है। फेस मास्क तो आपको ज़रूरी यूज़ करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फेस मास्क आपके स्किन के लिए सही है। आपके स्किन पे जो भी स्किन प्रॉब्लम ना, पर्टिकुलर उस चीज़ को देखते हुए आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन पे यूज़ करने होंगे जो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हों। जब आप ये सारी चीज़ें करके फेस मास्क यूज़ करोगे, आपके फेस की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो अच्छी तरह से सही हो जाएगी, फिर आपका फेस अच्छा हो जाएगा। तो आप फेस मास्क भी आपके स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना। पर फेस पे बहुत सारे होंगे तो आपका फेस क्लीन तो कहीं से भी नहीं लगेगा, तो इस वजह से आप मेक श्योर करो कि आप ऐसी चीज़ें अपने रूटीन में ऐड करो, ऐसे प्रिकॉशंस पे ध्यान दो जो पिंपल्स को होने से रोके और जो पिंपल्स आपको हैं वो भी सही हो जाए। पिंपल्स के लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस किए हुए हैं, अभी जल्दी मैं कुछ और वीडियोस भी लाने वाली हूँ जो आप फॉलो करोगे तो आपके पिंपल्स को आप कम्प्लीटली सही कर पाओगे, प्लस उनके स्पॉट्स को भी। तो हाँ, पिंपल्स पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर कुछ चीज़ें सही से फॉलो कर लेते हो ना, तो पिंपल्स को आप होने से भी रोक सकते हो। आप लोग डिटॉक्स ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दो। आप जो खाली पेट ड्रिंक लेते हो ना, आप उसको भी पीना स्टार्ट कर सकते हो। आप ताम्र जल ले सकते हो या फिर लेमन वाटर या फिर जो भी आपको सही लगता है, अगर आप उसको पीना स्टार्ट कर दोगे, उससे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलेंगे, जिससे कि फ़र्क आपको आपके स्किन पे एंड आपके हेयर पे दिखेगा। आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते रहना होगा। और मेन चीज़ कि लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, स्किन में रिजल्ट दिख जाता है, वो लोग उस चीज़ को छोड़ देते, बट ऐसा नहीं है। आपको उसको कंटिन्यू करना होगा और यूज़ करते ही रहना होगा, क्योंकि धूल पॉल्यूशन हमारे स्किन पे आने ही वाला है, तो प्रॉब्लम्स होने ही वाली है। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, स्किन केयर रूटीन फॉलो करते रहोगे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, या फिर होंगी भी तो उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। आप मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लिप बाम बाय करते हो ना, तो आप ये देख रहे हो कि इसमें SPF का यूज़ ज़रूर किया गया हो। और अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो ना, तभी आपको लिप बाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही सिर्फ बहुत ज़्यादा चेंज हमारे पूरे लुक पे आ जाता है, पूरे फेस पे आ जाता है। और ऐसा वाला लिप बाम जिसमें थोड़ा सा शाइन हो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी क्योंकि समर है, तो ऐसे टाइप के लिप बाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैट वाला जो लुक होता है ना, वो अच्छा लगता है, बट अगर नेचुरली थोड़ा सा बात करें ना, तो जब स्किन पे थोड़ा ग्लो रहता है ना, तो ही वो नेचुरल वाला फील आता है। तो ऐसा लिप बाम आप लोग यूज़ करो, थोड़ा सा लाइट पिंक शेड का, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। फेशियल हेयर रिमूव करने का भी एक ऑप्शन है, जो लोग 18+ है वो लोग फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। उसकी वजह से भी पूरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। जब फेशियल हेयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए आती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा फेस डल दिखने लगता है, और जब आप मेकअप करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मेकअप की तो बात अभी हो ही नहीं रही है, बट वैसे भी आपका चेहरा उसकी वजह से डल दिखता है। तो अगर आप चाहो तो आप फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। शायद कैमरे पर उतना समझ में ना आए, बट रियल लाइफ में जब हम देखते हैं हमारे फेस को, पूरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखने लगता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, जो लोग करना चाहें फेशियल हेयर को रिमूव, वो बिल्कुल कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेयर। आपको अपने हेयर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जितना आप आपके स्किन का देते हो। आपको रेगुलर बेसिस पे 2 या 3 दिन के गैप पे हेयर वॉश करना ही होगा, या फिर बहुत ज़्यादा 4 दिन होंगे, क्योंकि जब
आप हेयर वॉश बहुत टाइम तक नहीं करोगे, आप बाहर निकलते धूल गंदगी पॉल्यूशन आपके स्कैल्प पे आता है, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, आपको लाइफ की प्रॉब्लम उससे हो सकती है, आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एंड वो हेयर की हेल्थ के लिए भी सेफ नहीं होता है। इस वजह से गंदगी को रिमूव करने के लिए आपको शैम्पू करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, और अपने हेयर को ट्रिम भी कराते रहो, स्प्लिट इंड्स को रिमूव करते रहो, जिससे कि बालों की ग्रोथ भी हो और उससे आपके हेयर जो है वो हेल्दी भी रहे, क्योंकि स्प्लिट इंड्स होते हैं तो हेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे से ड्राई होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिखते हैं। जितनी अच्छी चीज़ें आप खाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके स्किन पे, आपके बालों पे दिखेगा। तो आपको हेल्दी चीज़ें आपके रूटीन में ऐड करनी है, आपकी डाइट में ऐड करनी है। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी तक आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर मेन सिंपल सी चीज़ की बात करें तो जो प्रॉपर खाना होता है दाल चावल रोटी सब्जी, आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से खानी है। आपको दही ज़रूर ऐड करना है आपकी डाइट में, प्लस जूस फ्रूट्स ये सारी चीज़ें तो आप कंज्यूम करो ही, ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पूरे ओवरऑल लुक की बात कर रहे हैं ना, तो जो आप कपड़े पहनते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अच्छे और ख़राब दिखने में। आप जो भी वेयर करते हो, कोई ड्रेस टॉप शर्ट या फिर कोई भी तरह की ड्रेस, जब आप उसको पहनो ना, आपको पता होना चाहिए आप उसको कैसे वेयर कर रहे हो, कैसा लग रहा है आप पे, उसका कलर कैसा है आप पे, अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, उसकी फिटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो लोग थ्रेडिंग कराते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आप थ्रेडिंग कराना स्टार्ट कर देते और काफी टाइम अगर आप थ्रेडिंग नहीं करा रहे हो, आपके आईब्रोज की काफी ज्यादा जब ग्रोथ होने लगती है ना, तो उसकी वजह से आपका चेहरा काफी ज्यादा खराब दिखता है, और जैसे ही आप आईब्रो सेट करा के आते हो आपका फेस बिल्कुल शेप में लगने लगता है और बेटर लगने लगता है। तो आपको आपके आईब्रोज को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो लोग थ्रेडिंग नहीं कराते ना, उनके लिए भी ये टिप है कि आप रेजर का यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत अपनी आईब्रोज के जो हेयर है ना, जो ज़्यादा ही कुछ इधर उधर है, आप उसको अच्छी तरह से शेव कर लो, आराम आराम से करो, और इस तरीके से जो आपकी आईब्रोज होंगी उनको आप घर बैठे आसानी से सेट कर लोगे, और उसकी वजह से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है ना, उसकी वजह से भी हमारे स्किन कई बार ख़राब दिखने लगती है। तो मेक श्योर करना कि आपको बहुत सारा पानी दिन भर में पीना है, और अभी तो समर स्टार्ट हो गया है तो आप काफ़ी ज़्यादा पानी पी भी सकते हो, बट इसके अलावा आप लोग नारियल पानी भी पी सकते हो, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी, बट इम्पॉर्टेंट ये कि आपको पानी पीना ज़रूर है। समर आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको मॉइस्चराइज़र अब अप्लाई नहीं करना है, आपको मॉइस्चराइज़र समर में भी ज़रूर अप्लाई करना है। इससे हमारे स्किन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, हमारी स्किन जब डीपली मॉइस्चराइज होती है तो हमारी स्किन ग्लोइंग भी लगती है, हेल्दी लगती है। इस वजह से मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा मेक श्योर करना कि सबके स्किन टाइप अलग होती है, तो आप लोग आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। आपकी आईलैशेस की अच्छी ग्रोथ के लिए आप लोग कास्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो आपकी आईलैशेस पे। आपको डेली रात में सोने से पहले थोड़ा सा कास्टर ऑयल लेना है, अपनी आई लैशेस पे अप्लाई करना है, ओवरनाइट रखना है। जब आप इस चीज़ को डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको एक महीने में काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको आपकी आई लैशेस में दिखेगा कि वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है, तो आपकी आँखें जो उसकी वजह से होंगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। 6 से 7 घंटे तो आपको प्रॉपर सोने ही है डेली, जिससे कि आपको डार्क सर्कल्स ना, क्योंकि जब डार्क सर्कल्स होते हैं उसकी वजह से भी पूरा फेस काफ़ी ज़्यादा डल दिखता है, हम बहुत ज़्यादा बीमार से लगते हैं और वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डार्क सर्कल्स ना हो, तो उसके लिए रेमेडीज़ तो है ही, बट प्रिकॉशंस पे भी आप ध्यान दो कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी स्किन पे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ जाती है, हेयर फॉल भी हो जाते हैं और भी बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो कि ज़्यादातर आपको फोरहेड पे दिखेंगे या फिर पूरे फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, स्किन एकदम डिहाइड्रेट सी लगने लगती है और काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर भी उसका ख़राब हो जाता है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। तो मेक श्योर करना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करो और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। अगर आप मेकअप नहीं करना चाह रहे हो और आपको सुंदर दिखना है, तो आप सिंपल सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी एक्सेसरीज वेयर कर सकते हो, आपके ईयररिंग्स हो गए, कोई चेन हो गई, नेकलेस हो गया, या फिर आप कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो, पेंडेंट, कुछ भी जो भी आपके पास में हो, बट हाँ उसकी वजह से पूरे लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है, तो आपको आपके पास में अच्छी अच्छी हर एक टाइप की एसेसरीज ज़रूर होनी चाहिए कि आप उनको वेयर कर सको, और फिर आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा और आप अच्छे भी काफ़ी ज़्यादा लगोगे। तो 19 टिप्स तो मैंने शेयर कर दी है, अभी लास्ट में एक लास्ट टिप बाकी है जो कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते,
करते हैं नेचुरली खुद को सुंदर दिखाने के लिए। तो यस, मैं देखूंगी आप लोगों के कमेंट्स और मुझे बताना आप लोग कि कुछ नया मुझे भी पता चले। तो बस यही था मेरा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बस यही भी एंड करते हैं वीडियो को, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है। सो या बाय, टेक केयर।